हर दिन आरबीआई कोई ना कोई फैसले से चर्चा में बना हुआ है और सख्त कदम उठाता जा रहा है और इस बार इनके निशाने में 5 कोऑपरेटिव बैंक आए हैं। आरबीआई ने इन कोऑपरेटिव बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने की वजह से सख्त कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, इनमें से उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया है और ये बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है। इसके साथ साथ बचे हुए 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, जो है राजर्षि साहू सहकारी बैंक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक, पाटन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक। और इसका कारण आरबीआई ने बैंक के पास ना तो संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी बची, ना ही उसकी कमाई की उम्मीद नजर आ रही है, इस वजह से लगाया है। आपको बता दें कि इनमें से 3 पर 1-1 लाख रुपए और 1 कोऑपरेटिव बैंक पर 10,000 तक का जुर्माना लगा है। देखिए, राजश्री सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। शिक्षक सहकारी बैंक ने नियमों के विरुद्ध जाकर गोल्ड लोन अप्रूव किए थे। पाटन कोऑपरेटिव बैंक ने केवाईसी रूल का उल्लंघन करा था और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक नबार्ड की गाइडलाइंस का पालन करने में विफल रहा था। आपको बता दें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अकाउंट में जमा 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस के तहत मिल जाएंगे। वहीं इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा जमा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख तक की राशि ही वापस मिलेगी। बैंक से मिले आंकड़ों के अनुसार उनके 98.32% के करीब कस्टमर्स को उनका पूरा पैसा वापस मिल पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और आए दिन आरबीआई के सख्त कदमों पर भी आपका क्या कहना है ये भी जरूर मेंशन करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।